बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डीएई पार्ट वन कोड 113 उसकी मैथ कर रहे हैं। हमने पहले तीन क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, दो दर्जी मसावात की शक्ल में लेके आएंगे। अभी हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट और फिर उसके बाद दूसरी ब्रैकेट हम पूरी ले लेते हैं, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट लेके दूसरी ब्रैकेट फिर से पूरी ले लेते हैं, इज इक्वल टू वन। अब 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या बन रहा है 2x स्क्वायर, ये दोनों x वाली वैल्यूज हैं, दोनों प्लस किए तो ये प्लस हो जाएंगी, 3 में 2 को प्लस किया 5x प्लस 3, ये वाला 1 इधर आके माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x, एक रकम प्लस की है एक रकम माइनस की है, जब एक रकम प्लस की हो और एक रकम माइनस की हो तो बड़ी रकम का साइन आ जाता है और बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर लेते हैं, 3 में से 1 को माइनस किया 2 इज इक्वल टू 0। जो अब हमारे पास इक्वेशन बन रही है इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने का तरीका होता है कि हमने पहली और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहां पर पहली रकम क्या है 2 और आखिरी रकम क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास बन गया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास बन गया 4 और यहां पर सेंटर में हमारे पास है प्लस का 5। अब हमने दो वैल्यूज ऐसी फाइंड करनी है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आंसर आए। अब 4 जो है वो दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने से बनता है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 4 बनता है, अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 4 बनता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है और 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। लेकिन अब हमें चाहिए कि अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो 5 बने, 2 में 2 को प्लस करें 4 बनता है, 2 में से 2 को माइनस करें 0 बनता है, मतलब हमारे पास 5 किसी सिचुएशन में भी नहीं बन रहा। इसी तरह अगर यहां पर देखें 4 में 1 को प्लस करें तो हमारे पास 5 बन रहा है, इसका मतलब जो अब हम पेयर लेंगे वो 4 और 1 का होगा, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 में अगर 1 को प्लस कर दें तो हमारे पास 5 आंसर आता है। जब हम दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना है, पहली रकम एज इट इज लिख देनी है और आखिरी रकम भी एज इट इज लिख देनी है। जो सेंटर वाली वैल्यू थी उसकी जगह पर अब हमने ये वाले दोनों पेयर लिख देने, जो अब दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की है, एक हमने फाइंड किया 1 और एक फाइंड किया 4, अब वो दोनों वैल्यूज हम लिखेंगे यहां पर। वन एक्स और 4x, ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब यहां पर देखें इन दोनों वैल्यूज को हमने देख रहे हैं कोई चीज ऐसी है जो कॉमन निकल रही हो, तो दोनों जगह पर x जो है वो कॉमन निकल रहा है, x को हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे यहां पर रह गया 2 और x स्क्वायर में से एक x निकल गया, पीछे एक x बच गया, प्लस 1x में से x बाहर निकल गया, पीछे 1 बच गया, प्लस इन दोनों वैल्यूज में से हमने देखनी है कोई चीज ऐसी है जो कॉमन निकलती हो, तो यहां पर देखें दोनों वैल्यूज जो है वो 2 के टेबल में आ रही है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 2 आर 4 और ये साथ x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 1 आर 2 इज इक्वल टू 0। हमारा जो क्वेश्चन है उसको ठीक होने की हमारे पास निशानी क्या होती है कि हमारे दोनों ब्रैकेट जो है वो एक जैसे आने चाहिए। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट जो है उनका आंसर सेम आ रहा है, हमने अब क्या करना है जो ब्रैकेट के बाहर वाली रकम है उसको एक बार लिख लेना है एक्स प्लस 2 और जो ब्रैकेट वाली रकम है उसको एक बार लिख लेना है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है दोनों ब्रैकेट उसको बारी बारी 0 के बराबर ले लेना है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर
और इधर से 2x plus 1 is equal to 0, ये वाली ब्रैकेट भी 0 के बराबर हो गई। अब यहां पर देखें x is equal to, ये प्लस का 2 था उधर गया तो माइनस का 2 बन गया, एक x का आंसर आ गया हमारे पास ये। दूसरी साइड पे देखें 2x, ये प्लस का 1 था उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, हमें चाहिए x का आंसर, x इधर ही रहने देंगे, जो ये 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/2, माइनस का 1/2, ये हमारा x का दूसरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें जो रकम दी हुई है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दी हुई है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दो दर्जी मसावाद की शक्ल में लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये बटे वाली रकमों को खत्म करना है हमने किसी तरीके से। इसको खत्म कैसे करेंगे, जो हमारे पास बटे में रकमें हैं ना सारी, इन सब के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर देखिए एक है x माइनस वन, एक है x प्लस टू और एक है x, तीनों रकमों को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली रकम लिखी 4/x-1, इसके साथ हमने x माइनस वन को भी मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस टू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और x को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह अगली रकम लिखी -5/x+2, दूसरी रकम लिख ली, इसको भी इसी तरह हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वन के साथ भी कर दिया, x प्लस टू के साथ भी कर दिया और x के साथ भी कर दिया, तीनों नीचे वाली रकमों के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू ये वाली रकम लिखी 3/x, इसको भी हमने ऐसे किया x माइनस वन के साथ भी, x प्लस टू के साथ भी और x के साथ भी, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखें तो x माइनस वन से कट जाएगा, इधर देखें x प्लस टू से कट जाएगा, इधर देखें तो x जो है वो x से कट जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, यहां पर रह गया x प्लस टू ये वाला और ये वाला x इंटू 4, ये तीनों रकमें रह गई 4x और x प्लस टू। 4 को x से हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x, इसको हम सीधा यहां पर ही लिख लेते हैं 4x माइनस, यहां पर हमारे पास एक 5 बच गया, एक x माइनस 1 बच गया और एक x बच गया, यहां पर भी 5 को x से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा 5x इंटू x माइनस 1, ये वाला x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास बच गया 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। अब यहां पर भी एक स्टेप को हम यहीं पे करने लगे, 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। यहां पर अब इसकी जगह पर हम यही लिखने लगे हैं 3x-3। अब देखें ये वाली दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाली दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो हर एक रकम को पूरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखिए सिंपल है, 4x जो है वो इस x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को जब x से मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास बन गया 4x का स्क्वायर प्लस 4x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 8, तो ये हमारे पास बन गया 8x माइनस, ये माइनस का साइन है इसलिए हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे ताकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ये इतनी रकम है, सेंटर में माइनस का साइन है, फिर ये वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 5x को जब x से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 5x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया ये 5x ही रह गया इज इक्वल टू, यहां पर दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट लेके अगली ब्रैकेट पूरी ले लेनी है, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट लेके अगली ब्रैकेट फिर से पूरी ले लेनी है। यहां पर क्या रह गया हमारे पास 4x² + 8x, ये माइनस जो है वो इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, अगर कोई रकम प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, अगर कोई रकम माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस का था माइनस का 5x² हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का 5x हो गया इज इक्वल टू, 3x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया 3x² बन गया,
थ्री एक्स को जब टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स एक्स बन गया, थ्री टू जार सिक्स और ये एक्स आ गया। माइनस के थ्री को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस का थ्री एक्स बन गया, माइनस के थ्री को जब टू से मल्टीप्लाई किया माइनस का सिक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, जो सारी रकमें हैं वो एक साइड पे ले जानी है। यहां पर देखें फोर एक्स स्क्वायर, इसके साथ जो एक्स स्क्वायर वाली दूसरी रकम है वो भी इधर ले आनी है, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर था, इसको भी जब उठा के इधर लाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली तीनों रकमें हमने इकट्ठी कर ली, ये फोर एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर था, जब इक्वल टू के इस साइड पे आया तो ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाली सारी रकमें लिख लेनी है, प्लस का एट एक्स, प्लस का फाइव एक्स, ये प्लस का सिक्स एक्स था इधर आया माइनस का सिक्स एक्स बन गया, ये माइनस का थ्री एक्स था इधर आया प्लस का थ्री एक्स बन गया। पीछे कौन सी रकम हमारे पास आएगी, माइनस का सिक्स, जब ये भी इधर आएगा ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है वो सारी हम देख लेते हैं कौन कौन सी है, फोर एक्स स्क्वायर, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। सिंपल हमने क्या करना है, जो दोनों माइनस की हैं वो जमा हो जाएंगी, साइन माइनस का आएगा। पहले ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं, एक रकम है प्लस की और एक रकम है माइनस की, जब एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो तो वो माइनस होता है और बड़ी रकम का साइन आ जाता है, बड़ी रकम है इनमें से फाइव, फाइव का साइन आएगा माइनस का, फाइव में से फोर को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा वन, माइनस का वन एक्स स्क्वायर और ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। जब दोनों रकमें हमारे पास माइनस की हो साइन माइनस का ही आएगा लेकिन वो होंगी प्लस, थ्री में वन को प्लस किया ये बन गया हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक्स स्क्वायर वाली हमने सारी रकमें सॉल्व की तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का फोर एक्स का स्क्वायर। अब एक्स वाली सारी रकमें हम देख लेते हैं उनका आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों तो थे प्लस के, प्लस ही होंगे, आठ में पांच को जमा किया तेरह, तेरह एक्स माइनस छह एक्स, तेरह एक्स में से छह एक्स को माइनस किया ये हमारे पास बन गया सात एक्स, सात एक्स में बाद में ये हमने तीन एक्स को जमा किया तो ये हमारे पास बन गया दस एक्स जमा का छह बराबर है जीरो के। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अभी हमारे पास आ रही है माइनस का फोर एक्स के, प्लस का टेन एक्स, प्लस का सिक्स। लेकिन जो एक्स स्क्वायर वाली रकम होती है उसको हमने हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, जब इसका साइन चेंज करेंगे तो इन दोनों का भी साइन चेंज करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास रकम बन जाएगी वो बन जाएगी प्लस का फोर एक्स स्क्वायर, माइनस का टेन एक्स, माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, प्लस का फोर एक्स, माइनस का टेन एक्स, माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने क्या किया है इन तीनों रकमों के साइन चेंज कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो क्या होगा, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फोर एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन करने के लिए यहां पर हम रफ अमल कर लेते हैं, पहले रफ अमल करने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, जो साइड वाली दोनों वैल्यूज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब छह को चार से जरब दें तो छह चार चौबीस होता है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का चौबीस हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है माइनस का टेन एक्स, माइनस का टेन, हमने दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस का चौबीस आए, और अगर प्लस या माइनस करें तो वो माइनस का टेन आए हमारे पास। अब दो वैल्यूज हम ढूंढ लेते हैं वो कौन सी हो सकती हैं, पहले तो देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। तीन वैल्यूज हैं, पहले है दो को अगर 12 से जरब दें, दो को अगर हम 12 से जरब दें 12 दो 24, और अगर 12 में से दो को माइनस कर दें तो भी हमारे पास 10 आ रहा है। दूसरी हमारे पास आ जाएगी 6 को अगर 4 से जरब दें, और 6 में अगर 4 को हम जमा करें तो भी हमारे पास 10 आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज तो अभी हमारे पास चल रही है। तीसरी होती है आठ को अगर तीन से जरब दे, लेकिन आठ में तीन जमा करें तो हमारे पास दस नहीं बनेगा, तो इसको तो हमने निकाल दिया।
दो चीजें रह गई, एक दो को अगर 12 से जरब दें तो 24 बन रहा है, दूसरा 6 को अगर 4 से जरब दें तो 24 बन रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक जोड़ा होना है, देख लेते हैं वो कौन सा होगा। अगर 2 और 12 का लेते हैं, 2 को अगर 12 से जरब दें तो 24 बन रहा है, 12 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो भी 24, 10 12 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो 10 आ रहा है। हमें चाहिए माइनस का 10। अगर हम 12 के साथ माइनस लगा दें, बड़ी रकम के साथ माइनस लगा दें, छोटी रकम के साथ प्लस लगा दें, तो देखें बड़ी रकम का साइन आ गया, 12 में से 2 को माइनस किया 10 आ गया। यहां पर बड़ी रकम के साथ माइनस प्लस, 12 2 24 और प्लस माइनस माइनस, मतलब हमारा जो जोड़ा बन रहा है वो यही पहले वाला बन रहा है 12 और 2 का। 6 और 4 का भी हम बना के देख लेते हैं वो क्यों नहीं बनेगा। देखें 6 को 4 से जरब दे तो 24 बन रहा है, माइनस का 24 बन जाएगा, लेकिन अगर 6 में हम 4 को जमा करेंगे तो 10 आएगा, हमें चाहिए माइनस का 10। अगर हम एक रकम के साथ माइनस लगाए दूसरी रकम के साथ प्लस लगाए वो तो माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास माइनस का 10 आंसर नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए था। अब हमारे पास जो जोड़ा बन रहा है वो बन रहा है माइनस का 12 प्लस का 2। यहां पर आ जाए 4x² माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहली और आखिरी रकम वैसे ही आ गई, सेंटर वाली रकम में हमने ये वाला जोड़ा फिट कर दिया। अब देखिए इन दोनों में से कोई चीज है जो कॉमन निकल रही हो, ये दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 को हमने बाहर निकाल लिया और दोनों में एक्स भी है, एक्स भी बाहर निकाल लिया, 4x² में से 4x निकल गया, पीछे 1x बच गया, माइनस 4 3 12 और ये x तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया प्लस। यहां पर देखें दोनों में से कौन सी चीज है जो कॉमन निकल रही है, तो ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, 2x में से जब 2 को बाहर निकाल लिया पीछे x बच गया, माइनस 2 3 6। दोनों ब्रैकेट्स जो है वो हमारी सेम आ रही है, मतलब हमारा सवाल ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाली रकम एक बार लिख लेनी है और ब्रैकेट वाली रकम एक बार लिख लेनी है, इज इक्वल टू 0। अब इधर वाली रकम उसको भी 0 के बराबर ले लेना है और इधर वाली रकम उसको भी 0 के बराबर ले लेना है। यहां पर देखें 4x ये प्लस का 2 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, हमें चाहिए x का आंसर, तो ये 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2, एक x का आंसर आ गया हमारे पास ये। दूसरी जगह पर देखें x ये माइनस का 3 था, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हमारे पास x का दूसरा आंसर।